नमस्कार दोस्तों, टेक इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्पक और आज की वीडियो में हम देखेंगे ओप्पो A12 को किस तरह से अनलॉक करेंगे। CPH 2083 है इसका। यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो है जो कि वर्क नहीं कर रही है, लेकिन मैंने इसका एक नया तरीका निकाला हुआ है जो कि 2021 में दोस्तों 100% वर्क कर रहा है, और ये वर्जन 49 वाले में भी वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम फ़ोन को बूट अपना कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं इसकी पोजीशन क्या है। तो फ़ोन हमारा बूट हो रहा है अभी। देखिए, अब ये हमारा बूट हो गया है और इसमें ये पिन मांग रहा है, जिसमें कि मैंने बहुत सारा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था, तो ये अब ले नहीं रहा है। तो चलिए एक बार हम इसको हो जाने दीजिए, इसको बताते हैं। जी, तो ये हो गया। अब हम इसमें अगर डालते हैं कुछ भी चीज़ तो ये वर्क नहीं करेगा। ये देखिए, नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका वर्जन आपको दिखा देते हैं। सॉरी दोस्तों, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। देखिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन आ गया और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये CPH A49 है, सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो चलिए अब दिखाते हैं ये कैसे होगा। उसके बाद हम बैक जाएंगे यहाँ से और फिर से इसको हम रिबूट करेंगे रिकवरी पे। तो हम पहले पावर ऑफ कर लेते हैं फ़ोन को। पावर ऑफ करने के बाद ये पावर बटन, जैसे दिखा रहे हैं पावर बटन, और ये वॉल्यूम डाउन बटन को हम एक साथ दबाएंगे तो ये हमारा रिकवरी मोड में, देखिए रिकवरी मोड में ये हमारा आ जाएगा। तो रिकवरी मोड में आने के बाद क्या करना है मैं आपको बता दूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, आप भी इसको कर सकते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स को नहीं कर पाए थे जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो मैं इसको इंग्लिश में जाता हूँ, और इंग्लिश में जाने के बाद हम आएंगे सबसे पहले चेक डिस्क को जाएंगे, चेक डिस्क करेंगे इसको पहले। दोस्तों थोड़ा समय लगेगा चेक डिस्क में, ये बहुत ही करना ज़रूरी है, ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ये प्रोसेस हो नहीं पाएगा। तो चेक डिस्क सबसे पहले कर लीजिए। देखिए, तो इस तरह से डाटा इंटैक्ट आएगा, आप इसको ओके कर लीजिएगा। उसके बाद आप वाइप डेटा भेजिएगा, वाइप डेटा के बाद ये आपको लॉक पासवर्ड मांगेगा, तो आपको सिंपली बैक कर देना है, यहाँ से आप दे नहीं पाएंगे। फिर आप वर्जन पे क्लिक करेंगे 3-4 बार, ये तो ये प्रोसेस आ जाएगा। अब उसको फिर कैंसिल कर देना है और फिर सिंपली आपको जाकर यहाँ से रिबूट कर देना है। उसके बाद आप मैजिक देखिएगा क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो ये सारी प्रोसेस आपको यूट्यूब में पहले से ही बता दी जाती है, और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसका जो लॉक है दोस्तों, केवल ऑनलाइन ही टूटता है, जो कि सर्विस सेंटर के द्वारा होता है या फिर UMD बॉक्स से टूटेगा ही, और इसका कोई क्रैक अभी तक उपलब्ध नहीं है जो कि इस लॉक को तोड़ सके। मैंने बहुत सारा इसमें क्रैक ट्राई किया था लेकिन कोई भी वर्क नहीं किया, तो मैं आपको केवल ये बताने के लिए ही वीडियो बनाया हूँ कि प्लीज़ आप इधर उधर बाकी वीडियो में अपना टाइम मत ख़राब कीजिए, और आप जब भी ये लॉक आए तो आप प्लीज़ सर्विस सेंटर से ही कंसल्ट लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।